तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज देखिए हमारे घर मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग भूमि पूजन हो रहा है, हमारे सपनों का महल जो है बन रहा है। और आप जय 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 महादेव महादेव। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पूजन हमारा जो है समाप्त हो चुका है, और हमारे मम्मी और पापा यानी कि हमारे सास और ससुर पूजन करवा रहे हैं। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि हम उस स्थिति में नहीं हैं, मतलब मेरा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, चक्कर आ जा रहा है, गिर जा रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मम्मी पापा पिछले 3 घंटे से पूजा हो रहा है दोस्तों, पिछले 3 घंटे से पूजा हो रहा है और अभी पूजा चल ही रहा है, मतलब ख़त्म हो चुका है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों यहीं पर मेरे सपनों का महल बन रहा है और यही जगह है, आप लोग बताइएगा कैसा है जगह। देखिए दोस्तों यही जगह है, पूरा यह जगह है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, बगीचे हैं। जैसे कि यहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम रहेगा, यहाँ पे बहुत से पेड़ हैं, आम उम का बगीचा है, जामुन, चारों तरफ पेड़ है और भी पेड़ हम लोग इसमें धराएंगे और भी पेड़ यहाँ पे। ये देखिए प्रणाम करो पे जो चुटकी चुटकी आज मेरी आराधना पैसा मुझे टिक्का लगा। दोस्तों हमारे ससुर जी यहाँ पे हम लोग को जमीन दिए हैं बनाने के लिए, और आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे जमीन है, बहुत फैला हुआ है, मतलब बहुत बड़ा। बाबा के पास है, बाबा के यहाँ पे टूटने का टेंशन नहीं है, टूटने का टेंशन नहीं है, वहाँ तो टूटने का टेंशन, कब टूट जाए कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों एक तरफ से खुशी भी है, एक तरफ से दुखी भी है, क्या करें दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए हम किसी को बुलाए उलाए नहीं है, और हमारे जो घर के हैं, हमारे पूरा फैमिली है, मेरे गांव की 2-4 औरतें हैं बस, और कोई नहीं आया है, किसी को बुलाया नहीं है। तो आप लोग क्या कुछ नहीं, कोई लग रहा है आ रहे हैं, सब्सक्राइबर लग रहा है, काज नहीं कन्फर्म नहीं बता सकते, मंदिर जाते हैं सब। हाँ चलिए बोलिए आप। जमीन का जो जैसे कि लेआउट भी आज ही हो गया, लेआउट आज हो गया, और उसके बाद से यहाँ का जो भूमि पूजन होता है, मेन चीज जो होता है भूमि पूजन, वो भी हो गया। और ये अभी भूमि पूजन हुआ, इसके बाद हमारे गुरुदेव जी आए हैं, वो देखेंगे कि जमीन कैसा है। और सरोज भी यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे हम बता दें कि रहेगा कौन कौन, हम रहेंगे, हमारी सरोज रहेगी, खास कर की दोस्तों आपको बता दें, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सरोज का तो आप लोग जानते ही हैं कि किस हालत में रहती हैं, किस तरह रहती हैं, हम समझते हैं। बट क्या है कि किसके द्वार पर कब, मतलब कितना दिन कोई किसी दूसरे के घर रहेगा, मायके में चाहे कितना दिन रहेगा, ये भी मायका है, मेरा भी इसके पास मायका ही है। बट ये नहीं है कि मेरा ये नहीं है कि मैं अलग कुछ सोचती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे मेरी 3 लड़की वैसे सरोज भी है, और जैसे मैं 3 लड़कियों को पालती हूँ वैसे सरोज को भी पालूंगी, वो तो अपना खर्चा तो वैसे उठा ही लेती है, कमाती है उतना, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका भी संति हम यहाँ पे रूम बनवा रहे हैं, ये भी हमारे साथ रहेंगी सब, प्लस मम्मी और पापा, सरोज, सब लोग रहेंगे, और बहुत अच्छा लगेगा। इस बार इसलिए खुशी हो रहा है दोस्तों क्योंकि इस बार फैमिली के साथ रहेंगे, हम लोगों का सपनों का सपनों की तरह घर बनेगा, सपनों का क्या बताएं आप लोगों को, जिस तरह सोचे उस तरह घर बन जाए, बस किसी कोशिश तो है, उस तरह से बन जाए बस, बाकी आप लोग का दुआ कामना बना रहे, आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करिएगा, नक्शा हम लोग बनाए हैं, हम किसी दोस्तों किसी इंजीनियर से नक्शा नहीं बनवाए, हम लोग खुद बनवाए बनाए नक्शा, और हम समझते हैं अपने दिमाग से बड़ा किसी का कोई नक्शा नहीं होता है, सबसे बड़ा नक्शा अपना दिमाग होता है, अपना दिमाग लगाओ, नक्शा बनाओ, घर बनवाओ, पैसा लगाओ तुम और इंजीनियर नक्शा बना के 30,000-35,000, अगर हम देंगे 30,000-35,000 हमारा बचेगा तो हमारा 1-2 टाली ईटा का दाम बच जाएगा दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।